बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आज दूसरा दिन पटना के नौबतपुर तरेतपाली में कार्यक्रम जो है वो हो रहा था, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि कार्यक्रम में इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि बाबा ने अपनी कथा पहले ही समाप्त कर ली। एक और खबर आ रही है कि भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि पुलिस से भीड़ की भिड़ंत हुई और वहां पर जगह कम पड़ गया लोगों को जाने के लिए, और गर्मी की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी है। यानी कि एक तरीके से कह ले कि पटना में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन करने के लिए जगह कम पड़ गई है। कल ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि बाबा बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने 5 लाख से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, और जो टेंट बनाया गया था उस टेंट से बाहर भी, यानी कि टेंट का जगह जो था वो बिल्कुल छोटा पड़ गया और बाहर में लोग उनकी कथा सुनने के लिए बैठ गए। कल देर रात तक कथा चली, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर यह आ रही है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा पहले ही समाप्त हो गई है। बाबा ने कहा है कि आप जिस जगह पे हैं वहीं पे से कथा सुनिए, टीवी से, लाइव टीवी चल रहा है, मोबाइल पे आप कथा सुन सकते हैं, लेकिन जो जानकारी है कि जगह कम पड़ने की वजह से कथा को पहले समाप्त किया गया है, और कथा समाप्त करने के बाद बाबा जो है वहां से निकल गए हैं पटना के लिए। यानी कि एक तरीके से कह ले कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जो भक्त हैं इतने ज्यादा संख्या में वहां पे पहुंच रहे हैं कि जगह बिल्कुल कम पड़ गई है, और जगह कम पड़ने की वजह से कार्यक्रम को पहले ही स्थगित किया गया है। इतना ही नहीं, 15 से 16 लोगों की तबीयत बिगड़ने की भी जानकारी मिल रही है। हालांकि डॉक्टर जो है उनकी देखरेख करें, चूंकि वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी की वजह से जो टेंट लगाए गए हैं उसमें हवा जो है नहीं प्रवेश कर पा रहे हैं, लोगों की संख्या वहां पर बहुत ज्यादा है, जिस वजह से वहां पर सबसे ज्यादा भीड़ हो रही है। एक तरीके से कहे कि जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनके भक्तों के दर्शन करने के लिए जगह कम पड़ जा रही है पटना में। प्रशासन ने पहले पटना के गांधी मैदान से मना किया था कि यहां पर भीड़ लग जाएगी, ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो हम नहीं संभाल पाएंगे, जिसके बाद नौबतपुर के तरेतपाली में ये पूरा आयोजन किया गया, और अब देखिए वहां भी जगह पूरी तरीके से कम पड़ गया है और कथा को पहले ही समाप्त कर दी गई है। बाबा ने अपील किया है कि आप जहां हैं वहीं से कथाएं सुने, और देखिए कथा को समाप्त करने के बाद बाबा वहां से निकल चुके हैं, और निकलने के बाद भी दर्शन जो है करने के लिए 10 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी है, ट्रैफिक व्यवस्था वहां भी दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं प्रशासन। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, तमाम खबरें लगातार हम आपको देंगे। धन्यवाद।